बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू टेम्पले वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं अपना प्यार से गेम माइनक्राफ्ट, और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पैराडाइज एसएमपी, क्योंकि ये पता नहीं क्या फेवरेट हो चुकी है मेरी मुझे ये एसएमपी। तो यही मैं थोड़ा ज़्यादा खेलने लग गया हूँ। कोई नहीं, अभी के लिए तो हम ना मतलब कि ऐसे ही ढूंढ रहे थे बेस के लिए। मैं अच्छा सा बेस बनाऊँगा कहीं पे, तो और अभी के लिए ना वो ओनर थे जो अभी आप तो देखे ना सामने, वो ओनर थे। सोचा ये वो भाई भाई तो नहीं ये इनविजिबल था। अरे भाई बहुत ये फायर एस्पेक्ट लाते हैं, और शार्पनेस वार्पनेस भी था, तब भी दो हॉट ले लिया हूँ भाई। तो गाइस, मैं अभी ना वहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब ट्विन से बेस पे आ चुका हूँ मैं। तो अब हम थोड़ी बहुत माइनिंग कर, वो यहाँ पे ही मैं काम चल रहा था थोड़े बहुत। अब हम जल्दी से थोड़े बहुत शुगर चेन लाते हैं। अभी तो हम मैं शुगर चेन लाऊंगा पूरा सा पूरा, और ये भी लाएंगी। तो ये मैं लाते मिलता हूँ आप तो सीधे से 2 मिनट में। तो इस समय में ना मैं थोड़ी सी माइनिंग करने गया था, क्योंकि ना माइनिंग तो आप तो पता ही है, माइनिंग तो करना इम्पोर्टेंट होता है। तो एंशिएंट डेब्रिस से मैं माइनिंग चल रहा था, तो माइनिंग करते करते मुझे बहुत बढ़िया मिले, पर इसके साथ मेरा एक हादसा भी हो गया। वो मैं हादसा ये हुआ गाइस, क्या ना आपने तो मेरे हार्ट डे थी होंगे, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। मैं ना माइनिंग चल रहा था, माइनिंग चलते चलते सामने से लावा आ जाओ, मैं पीछे देखा नहीं क्या पीछे ड्राइवल थी, और ड्राइवल से मैं ब्लॉक होते मर गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना डायमंड आर्मर और वो सब तो उठा ही लूँगा, क्योंकि लावा से मैं थोड़ा दूर आ गया था। पर मैं बार बार गया, मतलब 3-4 बार क्या हो रहा था मुझे, मैं जाता गया जाता गया, और फिर मैं इतने 3 हार्ट पे बचाऊँ अभी तो अबे। और हाँ, तो यही हो रहा था बार बार तो। और इस समय ना हमें मतलब कि हमारी और मेरे और तो इनके बीच में रेस हुई थी, क्या जो सबसे पहले एक स्टैट एंशिएंट डेब्रिस सेलेक्ट करेगा वो जीतेगा, और जो हारेगा ना उसको तो बनाना पड़ेगा एक क्रीपर फार्म। तो यही हमारा चल रहा था, कोई नहीं मैंने पर मैंने इसमें हार गया था। तो जाइस मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, मतलब कि मुझे क्या मिला। पहली बात तो मेरे पास 2 स्टैट्स डायमंड हो चुके थे, और दूसरी बात मुझे मिल जाए स्पाइडर स्पॉनर, क्योंकि मैं माइनिंग चल रहा था ना, तो अंडरग्राउंड माइनिंग माइनिंग माइनिंग, मतलब कि तब से तो मैं 2-3 जब से ये एसएमपी स्टार्ट हुई है ना, तब से बस मैं माइनिंग ही चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही मैं बस ऊपर ओवर वर्ल्ड में जाता हूँ थोड़ा बहुत खाना वाना और वो सब सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ना वो मैं माइनिंग इससे लिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 डायमंड ब्लॉक्स से बनता है हमारा 1 हार्ट, और 1 एनेदर 3 दट 4 32 वो चाहिए होते हैं रेड स्टोन के ब्लॉक्स। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा बना दिया, मतलब कि मज़ा आ गया मुझे बनाते हुए, तो मतलब कि मुझे थोड़ा मज़ा आ गया इसको बनाते हुए बनाते हुए। अच्छा, मतलब मुझे बहुत पसंद है फार्म्स बनाना, तो ये मैंने पूरा स्पाइडर स्पॉनर बना दिया। मतलब कि ना मुझे अभी एक गलती भी मिल चुकी है मुझे, जो कि है मैंने बस 2 सा बनाया, तो उसकी वजह से ना जितनी भी स्पाइडर हुई थी वो सब अटती थी, तो वो तो मैं बाद में कर दूँगा, मतलब चौड़ा बना दूँगा एकदम बड़ा बड़ा, जिसमें आराम से 2-3 तो नहीं 15-20 आराम से आ जाए, फिट हो जाए। तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा
मतलब थो देते पूरा, तो पूरा बड़ा सा बनाना पड़ेगा चलने के लिए उनसे। और ना मैंने ये जो है ना वो क्या बोलते हैं वॉल्स, वॉल्स मैंने इसलिए लाई है क्योंकि ना वॉल्स पे ना वो चढ़ नहीं पाती है मुझे जहाँ तक पता है, तो इसलिए मैंने लाई है। अभी के लिए तो ये तोड़ लेते हैं सारी की सारी जितनी भी चेस्ट है। ओ भाई ये लो चाओ, ये कहाँ से आ रहे हैं वे भाई? भाई से हमारा पूरा बनते दे दिया है, मतलब कि बहुत इजी। मुझे ज़्यादा से कम नहीं भी तो 30 या फिर 40 मिनट लगा था ये बनाने में, पर चल्ला तुझ भी तो बहुत बढ़िया है। मतलब स्पॉन अच्छी हो रही है पर वो आ नहीं पा रही है क्योंकि मैंने आपको तो बताया ना अभी वो 2x2 हैं ये, इस वजह से। वे भाई रेड स्टोन तो तोड़ना था, ये क्या टूट गया? ओ चलो बंद हो गया। अरे भाई ये क्या लग रहा है? ओ यार जल्दी आ, चुपचाप ड्रामे मत करिए, नहीं तो आ जाती है। चलने चलने तो भी इस SMP में खेलना है, तो आप अपना ना वो क्या बोलते हैं इंस्टा ID या फिर डिस्कॉर्ड दे देना, तो मैं आप तो बात कर लूँगा। तो इस वीडियो तो यहाँ पे एंड करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो तो कोई भी पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।